आशीर्वाद सभी को। कल तक हम आपको रिकॉर्ड टू का एक्सरसाइज में चल रहे थे और आपको फर्स्ट 6 क्वेश्चन में आपको करा चुका था। अब हम आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 आपको ही करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर 10 3.2 के 7वां, 8वां और 9वां क्वेश्चन आपको ही करना है और मैं अभी करा रहा हूँ आपको 10वां क्वेश्चन। 3.2 का 10वां क्वेश्चन आपको क्या है दिया है, जीरो बोलिए इसको, ये
शून्य मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का अब आप देखिए शून्य मैट्रिक्स का क्रम इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको शून्य मैट्रिक्स का क्रम नहीं दिया हुआ है। तो आप देखिए ये मैंने आपको बताया था दो मैट्रिक्स तभी बराबर होती है जब उनका क्रम समान हो। तो क्रम समान इसका क्रम क्या है 1/1। तो इस मैट्रिक्स का क्रम भी क्या होगा 1/1। तो देखिए ये मैट्रिक्स आपके समान है तो इसके संगत अवयव इसके बराबर होगा। इसका कितने अवयव है सिर्फ ए 0। आप इसको देख सकते हो इस टाइप से। इस मैट्रिक्स का क्रम क्या हुआ 1/1 अर्थात इसमें सिर्फ एक ही शून्य होगी। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा ए इंटू 2a+4 इक्वल टू ए इंटू 2a+4 इंटू ए प्लस 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आएगा 2a+4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2a² + 4a + 4a+8 + 2a+4 = 0। तो ये हो जाएगा आपका 2a² + 4a+4 = 4 4 8 2 10। तो ये जाएगा 10a + 12 = 0। 2 से डिवाइड कर दो पूरे क्वेश्चन को तो ये हो जाएगा a² + 5a+6 = 0। a² + 5a को लिख सकता हूं मैं 2a+3a+6 = 0। अष्टकों में से कॉमन ले लिया a तो कितना आएगा a+2 यहां से कितना कॉमन लेंगे 3 तो आपको मिलेगा a+2 = 0। आप पूरे में से क्या कॉमन आएगा a+2 तो यहां से आएगा a+3 = 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 है अर्थात या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। या तो a+2 = 0 या फिर a+3 = 0। तो यहां से मिलेगा a -2 यहां से मिलेगा a -3। क्लियर सबके? दोबारा से देखिए आपको दिया है तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं और उनका जो गुणा है वो शून्य मैट्रिक्स है। क्या है? शून्य मैट्रिक्स। अब देखिए मैंने आपको बता चुका हूं जो मैट्रिक्स है वो गुणन संक्रिया के अंतर्गत क्या होती है साधारण नियम का पालन करती है। साधारण नियम क्या होता है ए का गुणा बी से करकर सी से करिए या फिर बी का गुणा सी से करकर ए से करिए। दोनों स्थितियों में जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी समान मिलेगी। अर्थात आप इन दोनों का गुणा करके इससे करिए या फिर पहले इन दोनों का गुणा करके इससे करिए तो इसमें मैट्रिक्स के गुणा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है पहले इस मैट्रिक्स का गुणा इससे किया है तब हमको ये मिला है मल्टीप्लाई बाई दिस इक्वल टू 0। आप देखिए इस मैट्रिक्स का गुणा मैंने इससे करेंगे तो क्या मिला मेरे को ये। अब इस यहां पर आपको जो शून्य मैट्रिक्स है उसका क्रम नहीं दिया हुआ है तो आप अपने इच्छा से क्या मानेंगे। अब देखिए ये मैट्रिक्स है इस शून्य मैट्रिक्स के बराबर है तो बराबर है जो इस मैट्रिक्स का क्रम है वो इस मैट्रिक्स का क्रम होगा क्योंकि दो समान मैट्रिक्स के लिए पहली कंडीशन यही थी ना कि उनका क्रम समान होना चाहिए। अब देखिए इस जो मैट्रिक्स है उसका क्रम क्या है 1/1 तो इस शून्य मैट्रिक्स का क्रम भी क्या होगा 1/1 अर्थात एक पंक्ति और एक ही स्तंभ होगा। तो इस प्रकार की शून्य मैट्रिक्स क्या होती है 0 उसका सिर्फ एक अवयव होगा और वो क्या होगा 0। क्लियर है? अब ये दोनों मैट्रिक्स समान है इसका मतलब क्या हुआ इनके संगत अवयव बराबर है। अब इसमें एक ही अवयव है इसमें भी एक ही अवयव है दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमको मिलेगा ये इसके इसके बराबर होगा 0 के। आप इसको सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 1 की
ए बराबर माइनस दो या माइनस तीन। क्लियर है सबके? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, आपको हिंट देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 आपको ए दिया हुआ है, ए बराबर 1 -1, 2 और -1, और आपको बी दिया हुआ है ए 1, b और -1 तथा आपको दे रखा है ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो आपको क्या निकालना है? ए और बी निकालना है। आपको क्या है, ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं और एक कंडीशन दे रखी है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो कुछ नहीं है, चले ए और बी का मान रख दीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखिए ए प्लस बी संबंध जब जुड़ जाएंगे वर्ग क्या जाएगा ए, तो ये हो जाएगा वर्ग प्लस ए। ए प्लस बी का मान क्या है बताइए डायरेक्ट, ए प्लस बी, ये आपको ए है या आपकी बी है, वर्ग प्लस ए। माइनस वन में वन जोड़ेंगे तो जीरो, टू में क्या जोड़ेंगे बी, तो कितना आ जाएगा टू प्लस बी। माइनस वन में माइनस वन जोड़ेंगे तो माइनस के टू। क्लियर है? अब आपको ए प्लस बी इस सारे सॉल्व करने पहले ए प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या कैसे निकालेंगे बताइए, आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी गुना ए प्लस बी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मान आपके पास है जो आपने निकाल लिया तो रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी माइनस 2। ए प्लस बी का मान यहां से रख दीजिए 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी और माइनस 2। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व करिए क्या आएगा बताइए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 प्लस ए का गुना 1 प्लस ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। 1 प्लस ए का गुना किससे करेंगे, 1 प्लस ए से, तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। 0 का गुना 2 प्लस बी से करेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो प्लस के 0 लिख लिया उसको। अब देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, अब करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, 1 प्लस ए का गुना 0 से करेंगे तो क्या मिलेगा 0, प्लस 0 को गुना माइनस 2 से करिए तब भी क्या मिलेगा 0, तो फाइनली क्या हो जाएगा 0। 2 प्लस बी का गुना किससे करेंगे, 1 प्लस ए से, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, करिए 2 प्लस बी का 1 प्लस ए से क्या करेंगे, 2 प्लस बी का गुना किससे करेंगे 1 प्लस ए से, और माइनस 2 का गुना किससे करेंगे 2 प्लस बी से, माइनस 2 इंटू 2 प्लस बी। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 2 प्लस बी का गुना 0 से करेंगे तो 0, और माइनस 2 का गुना माइनस 2 से करेंगे तो 4। क्लियर सबके? अब ऐसे ही आप ए स्क्वायर का मान निकालेंगे और बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे और क्या करेंगे कंपेयर कर देंगे, कैसे, संगत अवयव बराबर, क्या करेंगे संगत अवयव बराबर रखेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर को लिखेंगे आप ए इंटू ए प्लस बी स्क्वायर को लिखेंगे आप बी इंटू बी। अब ए की वैल्यू आपको दी हुई है, बी भी आपको दिया हुआ है, तो
एन रे निकालेंगे आसानी से, वन टू माइनस वन माइनस वन, तो गुणा स्वयं सी से करना है, प्लस बी क्या बताइए, ए बी वन और माइनस वन, ए बी वन और माइनस वन, क्लियर सभी के? इसको सॉल्व कर लेना, इसको समीकरण अब देखिए, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इससे जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब इसके एलिमेंट कितने आएंगे, चार एलिमेंट, आप स्वयं करेंगे, मैं सिर्फ आपको हिंट बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो कितने बाई क्रम की मिलेगी, दो बाई दो क्रम की, ये किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। आप क्या करेंगे, इनके संगत अवयवों की तुलना कर देंगे तो आपको ए और बी का मान आ जाएगा, क्लियर सबके? तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, सिर्फ आपको इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और जो ए और बी आपको दिया हुआ है, क्लियर सबको? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 12, वन में जीरो ऐड करेंगे तो वन,
तो आपको LHS मिल गया I plus A बराबर 1 minus 10x by 2, 10x by 2 और 1, क्लियर सबके। अब देखिए इस कैलकुलेशन को मैं आसान करने के लिए इस 10x by 2 कुछ वैल्यू रख देता हूँ। माना आप मानेंगे, माना 10x by 2 बराबर सुनने के लिए आप T मान लीजिए, क्या मान लीजिए इसको T मान लीजिए। तो यहां से बताइए i प्लस ए क्या हो जाएगा, i प्लस ए हो जाएगा आपका ये 1, ये हो जाएगा माइनस टी, ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा 1 और टी बराबर क्या है 10x by 2, क्लियर है सबके। अब देखिए अभी तक मैंने आपको LHS सॉल्व किया है और LHS क्या था i प्लस ए और i प्लस ए मिल गया आपको 1 माइनस टी T और 1, जहां पर T की वैल्यू क्या है 10x by 2, क्लियर सबके। अब मैं किसको सॉल्व करूंगा RHS को, किसको सॉल्व करूंगा RHS को, RHS क्या बताइए आप वैल्यू निकालेंगे I माइनस A इंटू cos x माइनस sin x sin x और cos x की। अब इसको सॉल्व करेंगे और आप दर्शाएंगे कि इसका जो मान है वो कितना है, ये है, क्लियर है। तो बताइए i, i क्या है 1 0 0 1, i क्या था 2 by 2 क्रम की इकाई आव्यूह, तो 2 by 2 क्रम की इकाई आव्यूह क्या होती है 1 0 0 1, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं माइनस यह हो गया आपका i, a की वैल्यू आपको दी हुई है बताइए क्या है, जीरो। अब देखो मैंने 10x by 2 क्या मान रखा है t, 10x by 2 को आपने क्या मान रखा है t, तो ये हो जाएगी आपकी जीरो माइनस t, t और जीरो इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स। देखो मैंने आई की वैल्यू रखी है कितनी 1 0 0 1, ये माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, ये क्या दी आपको दी हुई है सिर्फ मैंने 10x by 2 को किससे रिप्लेस किया है टी से, लिख देंगे जहां टी बराबर क्या है 10x by 2, आप पहले भी लिख चुके हो 10x by 2 क्या मान चुके हो आप t मान चुके हो। अब देखिए आप cos x का और sin x का फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं cos x का, cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और sin x बराबर होता है 2 tan x by 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, क्लियर है। cos x बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 और sin x बराबर होता है 2 tan x by 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। अब देखिए आप इस cos x को लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, तो पहले इसको सॉल्व करिए क्या आएगा बताइए, 1 में से 0 तक कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1, क्या मिलेगा 1, सॉल्व कर लीजिए इसको 1 में से 0 गया तो 1, 0 माइनस माइनस टी तो क्या हो जाएगा प्लस के टी, भाई माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 0 में से माइनस टी कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा टी, 1 माइनस 0 तो क्या मिलेगा 1, क्लियर है। देखिए 1 में से जब आपने 0 को हटाया तो क्या मिलेगा 1, जब 0 में से आपको माइनस टी घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 में से आप क्या करेंगे माइनस के टी तो कितना हो जाएगा माइनस टी, 1 माइनस
एनएस राइट मान क्या मान चुके हो टी, तो बताइए कौन सा स्क्वायर पे क्या रख सकता हूं मैं, 1 माइनस टेन एक्स वैल्यू क्या है टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, टेन एक्स क्या मान रखा है आपने टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी प्रकार से
आरएचएस आपका जो आरएचएस है वो क्या मिलेगा आपको, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करिए, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, एक का गुणा इससे करेंगे तो यही मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर समझिए, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, अब करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, एक का गुणा इससे करेंगे तो ये रहेगा माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी इंटू गुणा करेंगे आप माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर सभी के, पहली पंक्ति का गुणा किया आपने दूसरे स्तंभ से, अब करेंगे दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, करिए क्या आएगा क्या मिलेगा बताइए, माइनस टी का गुणा किससे करेंगे, करिए माइनस टी का गुणा करना है आपको माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मैं कर रहा हूं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, एक का गुणा इससे करेंगे तो ये मिलेगा प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे आप दूसरे स्तंभ से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, टी का गुणा 2t से करेंगे तो क्या मिलेगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, एक का गुणा इससे करेंगे तो ये मिलेगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर करेंगे, सॉल्व करिए इसको, ये बराबर हो जाएगा, देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर हर में, यहां पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहां पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो क्या ऐसे में आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर का भाग इसमें देखने तो एक आएगा, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। क्लियर सभी के, अब देखिए यहां पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, यहां पर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो क्या ऐसे में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। क्लियर है, माइनस 2t प्लस टी का गुणा 1 से करिए टी माइनस टी का गुणा टी स्क्वायर से करेंगे तो टी क्यूब, ये हो जाएगा आपका माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी क्यू प्लस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस के 2t स्क्वायर है, ये माइनस के टी स्क्वायर है, तो कितना बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 2t स्क्वायर में से माइनस टी स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर सभी के, अब ये माइनस के 2t है, ये प्लस के टी है, तो आपका ये आएगा माइनस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको देखिए टी क्यूब 2t है माइनस के टी, तो ये आपका मिलेगा टी क्यू प्लस टी बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर सभी के, इसको सॉल्व करिए, ये 2t स्क्वायर है, ये माइनस के टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बटे टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर तो कितना बनेगा 1, अब यहां से इसको आप ऐसे ले सकते हो माइनस टी कॉमन लेके तो कितना बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है ऊपर भी 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, तो यहां सॉल्व करेंगे तो आप मिलेगा माइनस टी, इसमें से टी कॉमन लीजिए तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टी और ये हो जाएगा 1 और ये क्या था आपका एनएचएस।
तो आपके एचएस और आरएचएस दोनों के रहे इक्वल है। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा देखना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको cos x को पुट करना है 1 - tan² xy² बटे 1 + tan² xy² और tan xy2 को पुट कर लेंगे t x y z कुछ मान लेना, क्योंकि इसका आपसे कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप sin x cos x को पुट करेंगे और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखेंगे LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है सभी के? अगला क्वेश्चन देखिए, तो आपकी LHS किसके बराबर आ गई, RHS के। LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में आपको ए दिया हुआ है, ए बराबर है आपको 1, 0, -1 और 7 और आपको आई दिया हुआ है, आई इस पर भी दिया हुआ है आपको 1, 0, 0 और 1। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है जहां a स्क्वायर बराबर दिया हुआ है r a + k i। आपको a और i दे रखे हैं और क्या निकालना है, k निकालना है। तो कुछ नहीं, a स्क्वायर क्या रखेंगे, a into a बराबर r a + k into i। तो a into a बताइए क्या हो जाएगा, 1, 0, -1, 7 r a की वैल्यू क्या है, 1, 0, -1, 7 + k into i 1, 0, 0, 1। क्लियर है? तो पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो गुण इन दोनों का गुणा करेंगे, आर का गुणा इससे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और क्या कर देंगे, तो हमें दो मैट्रिक्स से आपको 2x2 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी। इन दोनों का गुणा करने से आपको एक 2x2 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी बराबर। इन दोनों को सॉल्व करना तभी भी आपको एक 2x2 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी। सिर्फ मैं हैंड कर रहा हूँ आपको, आगे आपको ही करना है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पे भी 2x2 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी और यहाँ पे भी 2x2 क्रम की मैट्रिक्स मिलेगी। दोनों बराबर हैं तो क्या कर देंगे, उनके संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना, तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? तो सिर्फ आपको a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a into a और आपको सारी वैल्यू दी हुई है, k अज्ञात राशि है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे और दोनों पक्षों को बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इनके संगत अवयव बराबर है, तो आपको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपको, यदि यदि 1, 0, 2, -1, -3, 4 इंटू ए बराबर 1, -4, 3, -2, 13, -10, 6 ए बराबर -1, 1, -4, 3, -2, -10, 6, 13, 20 और -9, वो तो आपको एक बार निकाल
क्या निकालना है आपको, ए निकालना है। आपको दिया हुआ है यदि इस मैट्रिक्स को गुणा ए से करने पर आपको यह मैट्रिक्स मिल रही है तो आप क्या निकालना है, ए निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको यह सोचना होगा कि जो ए मैट्रिक्स है उसका क्रम क्या है, ए मैट्रिक्स का क्रम क्या है। तो बताइए इन मैट्रिक्सों का गुणा कब संभव होता है भाई, इसका क्रम क्या है 3/4, इसका क्रम क्या है 3/4। सपोज मैं थोड़ी देर के लिए इसको b मान रहा हूं और इसको c मान रहा हूं, तो आपको दिया हुआ है b = c, क्लियर है। इस मैट्रिक्स को मान रहा हूं मैं b और इसको मान रहा हूं मैं c, तो आप क्या हो गया ba = c। बताइए ba कब परिभाषित होता है, जब इसमें स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हमें चाहिए। तो इसका क्रम क्या आता है, इसका क्रम क्या है 3/2, कितना है 3 इसमें पंक्ति है और 2 इसमें स्तंभ है। तो बताइए इसका जो क्रम है किस प्रकार का होगा, 2/3 प्रकार का, क्लियर है भाई। b परिभाषित कब होगा, जब b में स्तंभों की संख्या एक ही पंक्तियों की संख्या के समान होगी, अर्थात a में ये तो अनिवार्य है कि दो ही पंक्ति होनी चाहिए, क्लियर है। अब देखिए अब 3/2 का गुणा आप 2/3 प्रकार की मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो बताइए आपको b किस प्रकार की मैट्रिक्स मिलेगी, b का क्रम क्या होगा 3/3। मैं पहले बता चुका हूं जब आप 3/2 क्रम की, जब आप n / n क्रम की मैट्रिक्स का n / 3 क्रम की मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो आपको किस प्रकार क्रम की मैट्रिक्स मिलती है, n / c क्रम की मैट्रिक्स मिलती है, क्लियर है। जब आप m / n मैट्रिक्स प्रकार की मैट्रिक्स का n / p प्रकार की मैट्रिक्स से गुणा करते हैं तो आपको n / p प्रकार की मैट्रिक्स मिलती है। अब देखिए b का क्रम आपको पता है कितना है 3/2, तो a का क्रम किस प्रकार का होना चाहिए 2/3, अर्थात में पंक्ति तो किस कितनी होगी 2, तभी b का परिणाम ऐसे कर सकते हैं। तो b का क्रम क्या हो गया 3/3 और ये किसके बराबर है c के, और c का क्रम कितने के बराबर है, c आपको दिया हुआ है, c का जो ऑर्डर है वो क्या है 3/3, तो ये किसके बराबर होना चाहिए 3/3 के, तो p का मान क्या होगा बताइए p बराबर 2, क्लियर है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो जो a की जो कोटि है आता है तो आपने मान लिया a बराबर 2
3 मैट्रिक्स बना लीजिए, ए बी सी डी ई और एफ। तो आपने मैट्रिक्स मान ली ए, इसका क्रम क्या है 2x3। अब आप यहां पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, पुट कर दीजिए, अतः 1, 0, 2, -1, -3, 4 समझना किसे करेंगे, ए बी सी डी ई एफ, और ये बराबर है आपकी 1 -4, 3 -2, -10, 6, 13, 20 और -9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों की तुलना करेंगे और आप मान निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ का, क्लियर है? तो इसको सॉल्व आगे एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्या निकालना है, इन गुणा करके दोनों को कंपेयर करना है, दोनों की तुलना करनी है और किसका मान निकालेंगे, ए बी सी डी ई एफ का, क्लियर है? तो सिर्फ इसमें आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये देखना था कि ए का क्रम क्या है। तो ए का क्रम कितना हो गया 2x3। तो 2x3 की जो मैट्रिक्स है वो इस प्रकार की होगी। तो आप रख दीजिए, जब आप कंपेयर करेंगे इसका गुणा करके तो आप आसानी से ए बी सी डी ई का मान निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए आपसे ये आप स्वयं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको प्रूव करना है ए की पावर एन बराबर कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। इधर देखिए एन इज पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है धन पूर्णांक, एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। आप धन पूर्णांक को आप नेचुरल नंबर ही बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो नेचुरल नंबर, क्या एन बिलोंग्स टू एन। अब देखिए आपको ए दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और आपको निकालना है ए की पावर एन बताना है या आपको सिद्ध करना है कि ए की पावर एन है वो किसके बराबर है कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा के माइनस साइन अल्फा कॉस एन अल्फा। तो इस क्वेश्चन को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करेंगे, किससे सिद्ध करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गणितीय आगमन सिद्धांत होता क्या है, उसमें आप क्या करते हैं, आपका कोई भी स्टेटमेंट है पीएन, क्या है पीएन, तो सबसे इसमें क्या होता है प्रथम स्टेप ये होता है आप इसको सबसे पहले किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए प्रूव करते हो, चाहे एक के लिए दो के लिए तीन के लिए, तो आप कोई प्राकृतिक संख्या लेंगे तो सबसे पहले उसके लिए प्रूव करेंगे। आप ये मान सकते हो पहले आप किसके लिए प्रूव कर देंगे पी एन बराबर ए के लिए, पहले आप सिद्ध करेंगे सबसे पहले कि पी एक सत्य है अर्थात एन बराबर एक पर कथन को सिद्ध करेंगे। उसके बाद एन बराबर के लिए आप पीएन को सत्य मानेंगे, क्या करेंगे इसको सत्य मानेंगे, क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं यदि आपको पीएन को स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप गणितीय आगमन सिद्धांत
अंत में क्या करते हैं, पहले इस स्टेटमेंट को n बराबर 1 के लिए सिद्ध करते हो कि ये प्रूफ सही है। उसके बाद आप n बराबर k के लिए इस स्टेटमेंट को सत्य मानते हो। उसके बाद आप दर्शाएंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए भी pn क्या है, सत्य है। क्लियर है आपको? गणितीय आवर्त सिद्धांत में तीन स्टेप में करना होता है। पहले स्टेप में तो हम n बराबर 1 के लिए pn को सिद्ध सत्य सिद्ध करते हैं। क्लियर है? उसके बाद आप n बराबर k के लिए pn को सत्य मानते हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। फिर हम दर्शाएंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए pn सत्य होगा। क्लियर है? तो लिखेंगे गणितीय आवर्त सिद्धांत से, गणितीय आवर्त सिद्धांत से। तो इसको हम सॉल्व करेंगे गणितीय आवर्त सिद्धांत से। माना n बराबर a, क्या लिखेंगे, n बराबर लिख लीजिए, n बराबर एक रखने पर, n बराबर एक रखने पर, रखिए a बराबर एक रखने से कितना जाएगा, a वन, a वन को आप a भी लिख सकते हो, बराबर n बराबर वन रखिए, cos का ये हो जाएगा आपका sin का, हो जाएगा आपका माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा। तो देखिए ए का मान तो आपको यही दिया हुआ है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर एक के लिए कतक सिद्ध है। इसको आप क्या मान सकते हो, पीएन मान सकते हो। क्या मान सकते हो, पीएन। अतः पीएन एन बराबर एक के लिए सही है, के लिए सब के लिए क्या है, सत्य है। क्लियर सभी के? तो आपने क्या कर दिया, pn को n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध कर दिया। अब क्या लिखेंगे, माना pn n बराबर k के लिए सही है। पहला स्टेप में क्या कर दिया आपने, n बराबर 1 के लिए pn को सत्य सिद्ध कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे आप, n बराबर k के लिए कथन को सही मानेंगे। तो मैंने मान लिया, माना pn n बराबर k के लिए सही है। तो बताइए यहां से a k कितना हो जाएगा, n बराबर k के लिए a k बराबर ये हो जाएगा आपका, जहां जहां पर आपको n दिख रहा है वहां क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा cos, cos k का, ये हो जाएगा आपका sin n का, ये हो जाएगा आपका माइनस sin k का, और ये हो जाएगा आपका cos k का। क्लियर सभी के? तो a बराबर k के लिए कथन सिद्ध हो गया, अतः ak की वैल्यू क्या हो गई, cos k का sin साइन के अल्फा, माइनस साइन के अल्फा और कॉस के अल्फा। अब हम क्या करेंगे, बताइए, अब हम एन बराबर के प्लस वन के लिए पीएन को करेंगे। क्लियर है? तो बताइए n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सिद्ध कब होगा, जब आपको क्या मिल जाए, a k प्लस 1 बराबर क्या आना चाहिए, cos k प्लस 1 into alpha sin k प्लस 1 into alpha minus sin k प्लस 1 into alpha
सही है, क्लियर है। तो आप यहां से वैल्यू निकालेंगे पहले ए ए प्लस वन की, किसकी वैल्यू निकालेंगे ए ए प्लस वन की, तो मैं ले रहा हूं पहले एल एच एस, आप दर्शाएंगे इसमें ए के प्लस वन का मान ये है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका कथन है एन बराबर के प्लस वन के लिए सही है। तो आप ए के प्लस वन को क्या लिख सकते हो बताइए, ए के इंटू ए, क्लियर है। मैं ए के प्लस वन को क्या लिख सकता हूं, ए की पावर के इंटू ए की पावर वन, क्योंकि इसको जब गुणा करेंगे तो ऐड हो जाएगा, के प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए आपको ए की पावर के प्लस वन आपको दिया हुआ है, इसको समीकरण नंबर एक मान लीजिए, ए की पावर के की वैल्यू क्या दी हुई है, कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा और कॉस के अल्फा, तो बैठ कर दीजिए ए की पावर के की वैल्यू क्या है बताइए, कॉस के अल्फा साइन के अल्फा माइनस साइन के अल्फा और कॉस के अल्फा, ये बताइए क्या है, ए ये आपको दिया हुआ है, ए की पावर के की वैल्यू हासिल की हमने समीकरण नंबर एक से। अब ए की वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बताइए क्या होगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से कॉस के अल्फा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस के अल्फा और कॉस अल्फा, साइन के अल्फा को गुणा किससे करेंगे माइनस साइन अल्फा से, तो ये कितना बनेगा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, क्लियर सभी के। तो पहली पंक्ति हो गई आपकी, ये इसका गुणा करेंगे इससे तो आपको मिलेगा कॉस के अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन के अल्फा गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो क्या मिलेगा साइन के अल्फा साइन अल्फा। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करो क्या मिलेगा देखिए, देखो क्या आएगा कॉस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर है। देखिए ये आपको मिलेगा कॉस के अल्फा, दूसरी पंक्ति को यहां पर लिख रहा हूं, आपको मिलेगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करना तो आपको मिल रहा था कॉस के अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन के अल्फा सॉरी माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा, यहां पर पहला भी हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस के अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन के अल्फा कॉस अल्फा, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन के अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस के अल्फा साइन अल्फा, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस के अल्फा कॉस अल्फा, क्लियर सभी के। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा आपका कॉस के अल्फा प्लस अल्फा, क्लियर है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका साइन के अल्फा प्लस अल्फा। अब देखिए यहां से दोनों से माइनस को ले लीजिए दोनों में से, तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा माइनस साइन के अल्फा प्लस अल्फा का, क्लियर सभी के। इसको देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी,
करना है कॉस ए प्लस बी का, कॉस के अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है सभी ने। तो आप देखिए आपकी जो एल एच एस है वो किसके बराबर आ गई, आर एच एस के, किसके बराबर आ गई, आर एच एस के। अर्थात आपने प्रूव कर दिया ए की पावर के प्लस वन बराबर ये, अतः क्या हो जाएगा, अतः कथन पी एन एन बराबर के प्लस वन के लिए, अतः कथन पी एन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। अब देखिए आपने एन बराबर वन के लिए सब प्रूव कर दिया था, जब आप एन बराबर के लिए इसको सही मान रहे थे तो आपने ये भी दर्शा दिया कि कथन पी एन एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। अतः गणितीय आत्म सिद्धांत से अतः गणितीय है आत्मन सिद्धांत से पी एन एन रोज टू एन के लिए भी एन रोज टू एन के लिए भी सत्य होगा, और यही आपको सिद्ध करना था। क्लियर सभी के? तो जब आप गणितीय आत्म सिद्धांत लगाएंगे तो पहले एन बराबर वन के लिए कथन को प्रूव करेंगे, एन बराबर के लिए सही मानेंगे और एन बराबर के प्लस वन के लिए उसको सही प्रूव करेंगे। तो आप कह सकते हो कि जो आपका स्टेटमेंट है मैंने पी एन मान रखा है तो पी एन एन रोज टू एन के लिए भी सही होगा, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी वो कथन सही होगा। ओके धन्यवाद, थैंक यू। देखो एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। क्लियर है? ओके धन्यवाद, थैंक यू।